कि मंडल में पहुंचे हुए हैं। यहाँ 10 दिन से लोग काफी दिनों से प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे। जो नरेंद्र मोदी सरकार की तर्जुम लोगों को बढ़ा रही है, खड़ा कर दिया। इससे पहले 3 तलाक लागू किया, बाबरी कितने दिन तक आप लोग करेंगे? ये जिस तरीके से हम लोग अंग्रेज को मार भगाया था 1947 के पहले, जो हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन देश में छेड़ा था, ये वही आंदोलन है। ये पूरे देश में और विदेशों में ये काला कानून को वापस लेने के लिए लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में प्रजातंत्र की सरकार खत्म हो गई है। प्रजातंत्र का एक विधि विधान है कि प्रजातंत्र के अनुसार जनता जब देश में अधिक संख्या में सड़कों पर आकर के आवाज़ उठाए कि काला कानून, जो काला आत्मा से मोदी और शाह रंगा बिल्ला की जोड़ी ने जो बना रखा है, ये सही भाजपा की सरकार नहीं है। भाजपा की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी, 10 साल भाजपा को देश चलाया, उन्होंने ये काला कानून लाया और इसी कानून से कार्रवाई नहीं किया। जब से ये मोदी की सरकार गुजरात से लाशों के ढेरों से चीरता फाड़ता हुआ दिल्ली के तट पर बैठने का काम किया और देश में इसने कोहराम मचा रखा है, देश में GST जैसे खतरनाक कानून लाया, देश में ST/SC एक्ट के लोगों को कानून छीनने का काम किया, देश में जिस तरीके से कानून को काट छांट करके एक नागरिकता संशोधन बिल पास किया, ये बिल जो है एक काला कानून काला आत्मा से मोदी ने बनाने का काम किया। आज देश के जन जन के लोग ये चाहते हैं कि ये काला कानून वापस ले, मगर ये अंधिया और बैरी भोंगी की जो सरकार है, ये प्रजातंत्र की सरकार नहीं है, प्रजातंत्र की कातिल है। अंग्रेज को मार भगाया गया था, ये अंग्रेज और पाकिस्तान के इशारा पर ये सरकार चल रही है। पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम लेकर के लोगों को मूर्ख बना रही है, सारे समुदाय को लड़ने का काम करवा रही है। देश में जिस तरीके से दिल्ली में महिलाएं बच्चे बूढ़े अपने मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसी प्रकार का पूरे हिंदुस्तान में, खास करके आसाम में, आसाम के लोग रोड पर क्रांतिकारी बिगुल फूंक चुके हैं। लोग इतना परेशान हैं ये सरकार से कि लोग आसाम में भाजपा के लोग अपना नेम प्लेट खोल दिए हैं, अपने घर पर भी नेम प्लेट नहीं रखते हैं। लोग भाजपा कहना आसाम में भूल गए हैं। वहाँ हर धर्म हर जात, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, या आदिवासी हो, या माइनॉरिटी के लोग हो, सब लोग एक होकर के रोड पर उतर चुके हैं और उन लोग भाजपा का नामो निशान नेस्त नाबूद कर देंगे। ये मोदी एक दिन दफन हो जाएगा और ये काला कानून वापस लेगा। हम लोग कफन पहन करके इस काला कानून को वापस लेने के लिए, लड़ने के लिए और मरने के लिए और दफन होने के लिए तैयार हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम ये नागरिकता देने के लिए आए हैं, देने के लिए ये कानून लाए हैं। ये नागरिकता देने वाले ये कौन होते हैं, ये अपनी नागरिकता बताएं। ये तो लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान के हैं, ये मोदी भी पाकिस्तान का है। पाकिस्तान पाकिस्तान करके हिंदू मुस्लिम को बरगला कर करके जाली वोट ठगने का ये काम करता है। ये तो जाली आदमी है और जालिम आदमी है। ये आदमी के आत्मा में मानवता के नाम की चीज ही नहीं। अपने पत्नी को कंट्रोल नहीं कर सका आज तक ये, तो क्या देश को कंट्रोल करेगा? जिसके पास बाल बच्चे नहीं है वो दूसरे के बाल बच्चों का दुख क्या जानेगा? ये एक तानाशाह हिटलर है, ये अंग्रेज के इशारा पर हिंदुस्तान को बर्बाद कर देना चाहता है। अच्छा ये बताइए कि आप क्या करते हैं? ये बताइए कि क्या बता रहे हैं? हम बताना ये चाह रहे हैं ना कि ये क्या बोलते हैं, मोदी जी के इसमें जो सुनाया जाता है कि 500-700 रुपया की लालच में लेडीज बैठी हुई है, तो बताइए 5 साल का बच्चा को या 7 साल का बच्चा को छोड़ करके कोई लेडीज, कोई माँ यहाँ पर धरना में बैठ सकती है? नहीं ना। तो फिर हम लोग पर ऐसा कंप्लेन किया जा रहा है,
ये बताइए कि अपने हक के लिए हैं। बच्चे को अलग कर दिया जाएगा, माँ को अलग कर दिया जाएगा, शौहर से अलग कर दिया जाएगा, कागज खोजा जा रहा, कहाँ से कागज लाएं? अब बताइए कहाँ से कागज लाया जाए? ठंड ऐसा है, बच्चे छोटे छोटे घर में हैं और माँ कहाँ है? अकेले धरना में बैठे हुए। ये इंसाफ मोदी जी क्यों नहीं करते हैं? हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए है, इंसाफ लेके उठेंगे। कितना दिन भी खींच ले मोदी जी, कितना दिन भी खींच ले मोदी जी, लेकिन इंसाफ लेके उठेंगे, ऐसे नहीं उठेंगे। इसलिए अपने बच्चे से अलग हैं, अपने शौहर से अलग हैं, अभी दुकान से आएंगे, हमको खोजेंगे, हम कहाँ हैं? धरना में हैं, बच्चे ट्यूशन पर बैठे हुए हैं, अभी खोजेंगे कि कुछ चाय चाहिए, कहाँ से कौन देगा चाय? अब बताइए मजबूरी, सारे को छोड़ करके हम यहाँ पर धरना पे आए और ऐड लगाया जा रहा क्या कि 500 के लालच में हम बैठे हुए हैं? तो हम लोग को इंसाफ चाहिए ना। अरे 15 लाख रुपया देने का मोदी जी ऑर्डर दिए थे कि 15 लाख रुपया देंगे। अरे 15 लाख नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमको नहीं चाहिए 15 लाख। क्या करेंगे 15 लाख लेके? शौहर से अलग होकर रहेंगे, 15 लाख लेके जी लेंगे? बेटा से अलग होकर के 15 लाख नहीं जी लेंगे? नहीं ना। तो फिर हमेरा इंसाफ चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए मोदी जी से। हम अपने खटेंगे, कमाएंगे, अपने बलबूता पर अपने हक से खाएंगे, अपने बच्चे को परवरिश करेंगे, अपने सबके पूरा फैमिली के साथ रहेंगे, और हमको कुछ नहीं चाहिए।